झुंझुनू के सरकारी अस्पताल में युवती से रेप। पिता की देखरेख के लिए रुकी थी युवती। नर्सिंग स्टूडेंट समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज। चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर अस्पताल में 20 साल की युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता युवती ने दो भाइयों समेत तीन युवकों के खिलाफ रेप करने का मामला दर्ज करवाया है। मामला झुंझुनू के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मामले की जांच कर रहे सिटी सीओ वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि फिलहाल युवती के बयान लिए गए हैं, मामले की जाँच की जा रही है। कोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 9 फरवरी 2024 को उसके पिता बीमार हो गए थे, जिन्हें दिखाने झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल गई थी, जहां डॉक्टर ने उसके पिता को आईसीयू वार्ड में भर्ती कर लिया। पिता की देखरेख के लिए उसके साथ थी। 10 फरवरी 2024 की रात पिता के पास थी। रात को करीब 12:30 बजे वार्ड में ड्यूटी पर कार्यरत कंपाउंडर संजीव कुमार पुत्र ओम प्रकाश दुलड निवासी जीत की रानी चाय लेकर आया और मेरे पिता की देखभाल की बात कही। चाय पीने के बाद जी घबराने लगा। उसके कहने पर मैं उसके कॉटेज में जाकर सो गई। रात को 2 बजे के आसपास आँख खुली तो कंपाउंडर गलत हरकत कर रहा था। विरोध किया तो मुँह दबाकर रेप किया। इससे पहले कंपाउंडर ने नींद में मेरी अश्लील वीडियो और फोटो बना ली थी। मुझे डरा धमका कर मेरे मोबाइल नंबर ले लिए। रोज़ मैसेज करने लगा। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार मेरे साथ रेप करता रहा। घर वालों को बताने पर उसने शादी का झांसा दिया। शादी का झांसा देकर जयपुर ले गया। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि अलग जगह ले जाकर रेप करने लगा। 13 मार्च 2024 को आर्य समाज में शादी करने की बात कहकर अपने पिता के साथ जयपुर ले गया। कागज़ पूरे नहीं होने का बहाना बनाकर वापस झुंझुनू ले आया। फिर 14 मार्च को फ़ोन कर शादी से इनकार कर दिया और अपने छोटे भाई से शादी करवाने का झांसा दिया। अपने छोटे भाई को बुलाकर उसके साथ जयपुर भेज दिया। 17 मार्च को उसका छोटा भाई अपने पिता के साथ झुंझुनू आया। मुझे बुलाकर अपने छोटे बेटे के साथ शादी करने की बात कही। वहाँ से मुझे उबली बालाजी मंदिर ले गया, वहाँ भी शादी नहीं की। गाड़ी में घुमाता रहा, गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई, जिसके पीने के बाद होश नहीं रहा। जब होश आया तो नग्न अवस्था में थी। छोटे भाई ने भी नग्न अवस्था में मेरे वीडियो बना लिए। फिर 22 मार्च को मुझे कैफे में ले जाकर बलात्कार किया। दोस्तों ने भी किया रेप। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि इसके बाद 3-4 बार कैफे में ले जाकर रेप किया। कुछ दिन बाद अपने दोस्तों के साथ फिर से कैफे में रेप किया। शादी के लिए छोटे भाई ने भी मना कर दिया। उसके घर गई तो उसके परिवार के लोग मुझे मारने पर उतारू हो गए। मुझे जान से मारने की धमकी दी, शादी से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता ने बताया कि अश्लील वीडियो और फोटो के कारण डरी हुई थी, जिसके चलते रिपोर्ट नहीं दे पाई, इसलिए अब रिपोर्ट दे पाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मंडावा मोड़ स्थित एक कैफे में उसके साथ बहुत बार रेप किया गया। इस कैफे में सुमित लेकर आता था। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक यहीं रखता था। आरोपी संजीव कुमार 24 साल उम्र झुंझुनू की ढुकिया नर्सिंग कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उसको डीके अस्पताल इंटर्नशिप के लिए लगाया गया था। घटना के दिन आईसीयू वार्ड में उसकी ड्यूटी थी। नर्सिंग स्टाफ के साथ उसको ड्यूटी पर लगाया गया था। वही छोटा भाई सुमित पर भी रेप का आरोप लगाया गया है।